सो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी और बहुत शानदार बात बोली गई है। जिंदगी में अगर आप लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, और वो काम है कि जिस चीज से आप लोगों को डर लगता है उसी काम को आप लोग करना स्टार्ट कर दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि चोरी करने भेज रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, कि चोरी करने से डर लगता है, हाथ कांपते हैं तो चोरी करना स्टार्ट कर दो। मतलब कहने का यह, जैसे आंसर राइटिंग है, नहीं यार बहुत दिन हो गए आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है, डर लग रहा है, लिखना स्टार्ट करो। आंसर राइटिंग नहीं तो कुछ तो लिखो अपने बारे में। अपने बारे में तो इंसान सबसे ज्यादा अपने बारे में जानता है। अपनी हरकतों को नोटिस करो, पूरे दिन में क्या किया है, किस किस से बातें की है, क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या चीजें चल रही है जिंदगी में। 1000 चीजें चलती है नॉर्मल इंसान के माइंड में, एक दिन में 60,000 थॉट आते हैं। तो 60,000 थॉट में से अगर 60 थॉट भी लिखोगे ना तब भी एक पेज भर दोगे, ठीक है। तो इसलिए डेली कोशिश करो कि कम से कम इन थॉट्स के बारे में कुछ लिखना स्टार्ट कर दो। आप लोगों को पता तो चलेगा कि आप लोगों का दिमाग जो है कितनी बढ़िया बातें सोच रहा है और कितनी खराब बातें सोच रहा है। अपने ऊपर आप लोग कम से कम उस चीजों को गौर कर पाओगे। तो इंसान को चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं, अपने हिसाब से इंसान अपने आप को चेंज कर सकता है। पर सबसे बड़ी चीज क्या है, यह है चेंज। इंसान को चेंज ही पसंद नहीं है। तो इंसान जो है जिस जोन में एक बार आ जाता है उसको लगता है कि ये सबसे बेस्ट जोन चल रहा है, अपने आप को कंफर्ट जोन में डालकर फिर कुछ भी चीजें वहां से हटाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आप लोगों को बस छोटा सा काम यही करना है यहां पर, कि अपनी जिंदगी में कोशिश ये करनी है कि जो भी आप लोगों को आप लोगों के गोल से दूर ले जा रहा है उस चीज को चेंज करना है। और वो चीज आप लोगों को जरूर चेंज करनी है। अगर चेंज नहीं करोगे तो गोल के पास कभी नहीं पहुंच पाओगे। और जिस दिन गोल के पास पहुंच जाओ, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, बल्ले बल्ले यार, फिर जो आदतें करनी है आप लोगों को, जितनी भी जैसी आप लोगों को सूटेबल लगती है अपनी जिंदगी को जीने के लिए, किसी की रोक टोक ही नहीं रहेगी आप लोगों के ऊपर। पर लेकिन इससे पहले कम से कम आप लोगों को अपना एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। हर एक इंसान जो है किसी पोस्ट पर अगर बैठा है उसने अपने आप को उसके काबिल बनाया है। आप लोगों को भी अपने आप को उसके काबिल बनाना पड़ेगा। अगर ऐसी चीजें नहीं हो पाएंगी तो कल को वो पोस्ट भी आप लोगों से नहीं झीलेगी, वरना दिक्कत होने लगेगी, लगेगा यार कहां फंस गए आकर। पहले उसी जॉब के लिए इतनी तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, कई सारे लोग आप लोगों ने देखा होगा फिर उसी जॉब को छोड़ते भी हैं। हालांकि अलग अलग रीजन होते हैं, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, पर लेकिन रियलिटी में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैंने बातें करते सुना है, कि जिस जॉब के लिए उन्होंने अपनी जी जान लगा दी, जिस जॉब के लिए उन्होंने बिल्कुल ये लगा कि बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों को देखने को मिलेगा 2-3 साल के अंदर उसी जॉब के बारे में वो उल्टी सीधी बातें बोलते हुए नजर आते हैं, जबकि वही उनका सर्वाइवल भी है। तो ये चीजें होती हैं, आप लोगों का जो काम कर रहे हो इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं है, बस हाँ काम स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो इसलिए जो काम आप लोगों को करने में मजा आए, अगर बीमार भी हो तो आप लोगों को काम करके मजा ले सको, अगर आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है फिर भी उस चीज के लिए आप लोग टाइम निकाल सको, तो ये सारी चीजें होती हैं जिंदगी में जीने की। इसको आप लोग इंजॉय, इसको कहते हैं आप लोग इंजॉयमेंट, और इससे आप लोग आता है कॉन्फिडेंस। तो यार ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। तो लगा कि आज संडे का जो लेक्चर आने वाला है तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ में चीजें शेयर करूं, क्योंकि संडे का दिन थोड़ा सा लाइट वाला रहता है। तो इसमें कंप्लीटली एक इंडिपेंडेंट लेक्चर लेता हूं मैं आप लोगों का, जिसका पास्ट के लेक्चर से कोई रिलेशन रहता ही नहीं है। तो इसलिए यहां पर जो भी बातें मैंने आप लोगों को बताई है वो हो सकता है कि कुछ चीजें आप लोगों को, एक ने भी इंसान ने अगर कुछ चीजें इसमें से इंप्लीमेंट कर ली तो एक इंसान की भी अगर जिंदगी बदल गई तो बस मेरे लिए वो काफी है, क्योंकि सब तो नहीं बदलेंगे ना। मुझे एक यहाँ पर बात याद आ जाती है छोटी सी, आप लोगों को बताता हूँ। ये अप्रोक्सीमेट 6th 7th की बात है। तो टीचर थे एक, हमारे संस्कृत पढ़ाया करते थे वो, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोला करते थे कि अगर सारे जो है मास्टर बन जाएंगे तो झोला कौन उठाएगा, यानी कि अगर सारे पढ़ लिख के सारे अफसर बन जाएंगे तो फिर नीचे कौन काम करेगा। तो इसका मतलब ये भी कुछ लोग ऐसे भी है ना कि जो एक तरीके से कि सब अफसर नहीं बन सकते, क्योंकि सब ऑफिसर बनेंगे उतनी क्वालिटी इंसान की करने के लिए कैपेबिलिटी चाहिए, तो सब वो काम थोड़ी ना करेंगे। तो अगर आप लोग अपने आप को उस कैटेगरी में लेकर आना है तो उसके लिए आप लोगों को पेमेंट देनी पड़ेगी। और पेमेंट क्या है, आप लोगों का डेडिकेशन, आप लोगों का हार्डवर्क, आप लोगों का डिसिप्लिन में रहना, अपने आपको एक तरीके से कमिटमेंट फॉलो करना, जो बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है। जैसे ना बोला कि सुबह को 7 बजे वीडियो आएगी और 1 9 बजे आएगी, अब बोल दे तो बोल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कमिटमेंट रखो लाइफ में, तो आप लोग चीजों को अपने अंदर अपने आप लोग कॉन्फिडेंस देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तरीके होते हैं जिंदगी में, पहले अपने आप के लिए कमिटमेंट सेट करो और फिर सलमान खान वाला डायलॉग कर दो कि एक बार कमिटमेंट कर लिया तो फिर मैं उसके बाद में अपनी भी नहीं सुनता, ठीक है। ये चीजें देखो फिर जिंदगी जीने में मजा आएगा। बाकी ये दो वीडियो हैं, दोनों का टाइम फिक्स है, 1 7 बजे सुबह और 1 9 बजे, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर कोई भूकंप वगैरह सुनामी वगैरह नहीं आती है तो, ठीक है। ये स्टार है, उन्हें कहते हैं कि एक मतलब कि हेलमेट के साथ में बाइक फ्री, ठीक है, पर लेकिन हेलमेट की जो कीमत है वो है 80,000 रुपये। तो वही बात है कि अगर कल को सुनामी तो सुनामी कुछ ऐसी चीजें आ जाए तो अलग बात है, वरना नॉर्मल तरीके से लेक्चर का ये टाइम रहेगा। PDF यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, बाकी तो आप लोग जानती हो, समझदार हो। और हाँ, आप लोगों से सजेशन लेना था, ये वीडियो जो है वो आप लोग ही तैयार है, ये वीडियो का टाइमिंग आप लोगों का क्या रखना है, ठीक है। देखिए अगर शाम को इसको लेकर आता हूँ तो फिर आप लोगों की नैनो मैगजीन भी आएगी शाम को तो लेट हो जाएगी,
सुबह को इसको अगर रखना है तो हिंदू न्यूज़पेपर की वीडियो आप लोग की 7 बजे आ जाएगी। उसके बाद में इसके लिए क्या टाइम आप लोग रिकमेंड करेंगे? इसको 9 बजे डाल दूं, 10 बजे डाल दूं, 11 बजे डाल दूं, या फिर शाम को 3 बजे डालूं इसको? ठीक है, 3 बजे आकर भी ये जो है लगभग मतलब कि लगभग 6 साढ़े 6 घंटे की वीडियो होगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोग देखिए। तो क्या टाइम आप लोगों को लग रहा है कि इसका होना चाहिए, तो आप लोग बताइए। इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो ला चुका हूँ जिसमें जनवरी से लेके मार्च का देखा था, अब अप्रैल से लेके यहाँ पर ये मई तक का है। तो इसके लिए आप लोगों को रिकमेंडेशन देना है कि क्या सही टाइम होना चाहिए। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए आप लोगों से बेसिकली जो कम्युनिटी टैग है या फिर जो टेलीग्राम है उसमें आप लोगों से पोलिंग भी करवा लूँ। जो भी टाइम सही रहेगा उस टाइम के हिसाब से देख लेंगे। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ठीक है, क्योंकि इसको लेकर मेरे माइंड में थोड़ा डाउट चल रहा है, क्योंकि कोई भी वीडियो रुक नहीं रही है। शाम को अगर इसको डालूंगा तो फिर नैनो मैगजीन जो है वो टाइम पे नहीं आ पाएगी, तो वो चीजें हो गई थोड़ा सा, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर अप्रैल मई नहीं है, यहाँ पर ये जून है। ठीक है, तो जून आप लोगों को देखने को मिलेगा, अप्रैल से जून तक है ये यहाँ पे गलत लिखा गया, अप्रैल से जून तक है, यानी कि 3 महीने की है यहाँ पर ये, अप्रैल मई और जून। इसमें सारी चीजें कवर की गई हैं टोटली, जो भी रिक्वायर्ड होती हैं, तो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए काफी फायदे पहुंचाने वाली है, तो इसके लिए आप लोग जरूर रिकमेंडेशन देना। आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ, और पॉलिटी वाले सेक्शन में आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली रिजर्वेशन इन प्रमोशन, यानी कि अगर किसी का प्रमोशन होना है जॉब में, ऑलरेडी वो सिलेक्ट हो चुका है, तो किसके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है क्या? जिस पर्टिकुलर के लिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वो पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो फिजिकली डिसेबल पर्सन होते हैं। ठीक है, पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसा है जिसको दिखता नहीं है, चला नहीं जाता है, कोई और प्रॉब्लम है, सुना नहीं पाता है, तो इस तरीके से अगर किसी और डिसेबिलिटी का या शिकार है वो पर्टिकुलर पर्सन, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली अभी ये बोला गया है कि राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन यहां पर इनके लिए जो है वो एप्लीकेबल होगा। यानी कि एक तरीके से जो पर्टिकुलर डिसेबल कम्युनिटी है सोसाइटी में, वो एक नॉर्मल इंसान के तरीके से तो काम कर नहीं पाएगी। देखिए देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए एक मिनट। एक हो गया कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है, ठीक है, एक हो गया कोई यहां पर ओबीसी का है, कोई एससी का है, या फिर कोई एसटी का है। अब ये मान लीजिए एक नॉर्मल पर्सन है, तो नॉर्मल पर्सन है चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, उसकी बॉडी जो है वो कंप्लीट एक तरीके से फुल फंक्शनल बॉडी है, तो वो कोई भी काम को नॉर्मल तरीके से करेगा, चाहे वो जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो। पर लेकिन अगर यहां पर बात करें पर्सन विद डिसेबिलिटी, अब ये किसी भी कैटेगरी में आ सकता है, जनरल में भी हो सकता है, ओबीसी में भी हो सकता है, एससी में भी हो सकता है, एसटी में भी हो सकता है, तो ये अलग से कैटेगरी बन गई यहां पर डिसेबल पर्सन के लिए। तो ये पर्सन जो है एक नॉर्मल पर्सन के साथ में कंपेयर करके बोलने लगो एक इंसान के पैर नहीं है, उसको बोलो कि मेरे साथ में रनिंग करे, तो रनिंग थोड़ी ना कर पाएगा वो पर्टिकुलर पर्सन। तो इसलिए यहां पर बहुत सारी जो नॉर्मल डे बाय डे की जो जिंदगी होती है उनमें भी वो काफी ज्यादा दिक्कत फेस करते हैं। तो इसके चलते यहां पर यह बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यहां पर प्रमोशन के अंदर यहां पर रिजर्वेशन होना चाहिए इनके लिए, क्योंकि इनको आप लोग नॉर्मल इंसान के साथ में कंपीट नहीं करा सकते, तो इसके लिए यहां पर यह रिजर्वेशन की बात की गई है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए ये सही है, आप लोगों के हिसाब से आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग बताइए, क्योंकि एग्जाम में भी आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही लिखना है। अगर आप लोग कुछ और सोच रहे हैं तो उस चीज को साइड में रखिएगा, कम से कम एग्जाम के टाइम पर या फिर इंटरव्यू के टाइम पर, वरना फिर आप लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा नेगेटिव मार्क में। और अगर एग्जाम में भी आंसर राइटिंग वाले में भी आप लोग कुछ फालतू की चीजें लिखते हैं तो वहां पर भी नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर पेपर के हिसाब की रिक्वायरमेंट की चीजें आप लोग नहीं लिखते हैं तो, याद रखिएगा ये, भूलना मत इस चीज को। अगर बात करें तो डिसेबल जो यहां पर पर्टिकुलर पर्सन अगर यहां पर बात करें तो अवील कर सकता है कि यहां पर रिजर्वेशन हो सकता है प्रमोशन में, उसको मिल सकता है यहां पर ही और सी जो रिक्रूट किए गए यहां पर, तो एक तरीके से यहां पर ये पर्टिकुलर एक काम को करने के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वही बोला गया कि एक पर्टिकुलर पर्सन की कैपेसिटी जो है, एक की इनकैपेसिटी है उस काम को करने में, तो रिजर्वेशन जरूरी है डिसेबल पर्सन के लिए। तो यहां पर ये जो पर्सन है जिसको रिजर्वेशन दिया जाना है, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको, प्रोटेक्शन ऑफ राइट मिलेंगे और फुल पार्टिसिपेशन मिलेगा। इसके लिए ऑलरेडी एक्ट है जो कि यहां पर इसके बारे में बात करते हैं। डिसेबल की अगर बात करें, पर्सन विद डिसेबल इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो डिसेबिलिटी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ राइट होना चाहिए और फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो 1995 का ये एक्ट है, ये एक्ट जो है रिप्लेस भी किया गया था अभी, राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया 2016 में, तो कई सारे चेंज भी इसके अंदर किए गए। तो जो पर्टिकुलर पर्सन डिसेबल पर्सन है तो उसको रिजर्वेशन देने के लिए कई सारे प्रोविजन यहां पर किए गए कि हाँ, एक पर्टिकुलर पर्सन को रिजर्वेशन कम से कम आप लोगों को देना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट भी है काफी। और कोई भी पोस्ट क्यों ना हो उसमें आप लोगों को देखने को मिलता है कि रिजर्वेशन जो है वो उसका पार्ट यहां पर बना भी दिया गया है।
अगर आप लोगों को याद होगा, थोड़े लंबे समय से आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हैं, तो ये जो यहां पर बातें हैं मैं कई बार पहले भी रिपीट कर चुका हूं, फिर से आप लोगों का रिविजन हो जाएगा, तो रिजर्वेशन का रिविजन करा दूंगा आप लोगों का, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो केरला एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था यहां पर, जब रिजर्वेशन की बात की गई यहां पर इस तरीके से, तो केरला के अंदर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा फॉलो करने से मना कर दिया था, जो 1995 एक्ट का था यहां पर, कि कोई भी रिजर्वेशन प्रमोशन में प्रोवाइड नहीं कराएंगे। पर लेकिन जब ये केस जो था केरला एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से, ट्रिब्यूनल भी एक तरह कोर्ट बोल सकते हो जिसमें मैटर जो है वो पर्टिकुलर चीजों के रिलेटेड जाते हैं और वहां पर डिसीजन थोड़ा जल्दी आ जाता है, तो नॉर्मल तरीके से हाई कोर्ट वाला पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, उनका काम होता है कि झट मंगनी पट बिहा। तो यहां पर केरला हाई कोर्ट के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो केरला हाई कोर्ट के पास में जब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से डिसीजन गया, तो केरला ने बोला यहां पर, डिसाइड किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन था यहां पर, ठीक है, तो केरला हाई कोर्ट ने उसको साइड में रख दिया, यानी कि बोला ये नहीं सही है, यहां पर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी है अगर उसको, तो उसको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और उसके पीछे केरला हाई कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है, यानी कि जो इंटरनेशनल जो बॉडी है यूएन, वो भी ये बोलती है कि धरती पर कोई भी इंसान किसी भी देश में कहीं पर भी क्यों ना हो, अगर वो डिसेबल है तो उसके हक के बारे में बात करो, और इंडिया ने तो इसको साइन भी कर रखा है, तो इंडिया के हाथ बंद गए कि हम लोग को यार इसके लिए काम करना ही करना पड़ेगा, यानी कि ऑलरेडी हम लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ ऐसा कुछ अगर फंगा होगा, ऐसा कोई होगा तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे, तो ऑलरेडी हम लोग इसको इसमें बन चुके हैं, ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं, तो इसको जरूरी भी है इसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो इसी के चलते ये याद रखिएगा, अगर कुछ आंसर राइटिंग के लिए आ जाता है तो ये टॉपिक जो है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वेट ज्यादा करेगा आप लोग आंसर में अगर इस तरह का पॉइंट आप लोग ऐड कर देते हैं। इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन पास्ट में कई बार पूछा जा चुका है, ये बोला ये जा रहा है कि पहले जो डिसेबिलिटी वो थी यहां पर 7 प्रकार की, अब डिसेबिलिटी को बढ़ाकर इंक्रीज कर 21 कर दिया है, 7 या 21, यानी कि 3 गुना डिसेबिलिटी बढ़ा दी है, तो डिसेबिलिटी की संख्या अब ज्यादा हो चुकी है, यानी किसी को सुनता नहीं है तो कितना नहीं सुनता है, ठीक है, दिखता नहीं है तो कितना नहीं दिखता है, कई सारी मेंटल डिसेबिलिटी भी अब इसके अंदर ऐड कर दी जो कि पहले नहीं थी, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड की गई है। अब यहां पर एक और चेंज यहां पर किए गए हैं, 2 पॉइंट में चेंज है यहां पर, ये पहला तो ये कि 3% जो रिजर्वेशन हुआ करता था जॉब में उसको बढ़ाकर अब डिसेबल पर्सन के लिए 4% कर दिया है, यानी कि जो पोस्ट हुआ करेंगे उसमें 4% यहां पर डिसेबल पर्सन को बेसिकली रिजर्वेशन रहेगा। इसी के साथ में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, हायर एजुकेशन में, तो ये मुझे ज्यादा बेटर लगा, पहले 3% था 5 कर दिया। रीजन क्या है, देखिए अगर कोई पर्टिकुलर डिसेबल पर्सन है, अगर एक अच्छी खासी एजुकेशन वो पर्सन ले पाता है तो उसकी जिंदगी आसान चलने के एक अच्छे चांस हो जाएंगे, पर लेकिन अगर वो पर्सन जो है इन सब दिक्कतों में पड़ा रहेगा यहां पर, तो कभी भी अपनी जिंदगी को नॉर्मल नहीं ले पाएगा, तो एजुकेशन जो है उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है, खासकर एक डिसेबल पर्सन के लिए। हालांकि देखिए एजुकेशन तो हर एक इंसान के लिए सही है, पर लेकिन डिसेबल पर्सन को ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है, जैसा सोसाइटी में जिस तरीके का टैबू है, जिस तरीके से सोसाइटी में लोग ट्रीट करते हैं, तो यहां पर अभी इसी के चलते काफी इंपॉर्टेंट हो गया। इसी के साथ में एवरी जो चाइल्ड है, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है अगर 6 से लेकर 18 साल के बीच में, तो उसको राइट टू एजुकेशन जो है वो फ्री का है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो एक एक्ट है, हमारी कंट्री में जो कि 2009 में हमारी कंट्री में लाया गया था, उस एक्ट के चलते हम लोग 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को यहाँ फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, और यहाँ पर 86th कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था यहाँ पर, ये जिसके चलते 2002 में ये एक ऐड किया गया, इंसर्ट किया गया हमारी कंट्री में आर्टिकल 21A। तो 21A यानी कि फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में डाल दिया, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, तो आर्टिकल 21 में डाल दिया गया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया इसको, कि बच्चे का फंडामेंटल राइट है अगर 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को रिजर्वेशन आप लोग फ्री एजुकेशन आप लोग प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो यहां पर वो तुरंत कोर्ट जा सकता है, ठीक है, अपने मां बाप के खिलाफ भी यहां पर वो बेसिकली कोर्ट में जा सकता है अगर मां बाप भी मना कर रहे हैं। अब यहां पर नॉर्मल बच्चे के लिए तो 6 से लेकर 14 साल तक इसको रखा गया है, पर लेकिन जो डिसेबल बच्चा है उसके लिए 6 से लेकर 18 साल, यानी कि 4 साल एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, आप लोगों से अगर क्वेश्चन देकर पूछ लिया है तो फिर आप लोग कंफ्यूज ही आ जाएंगे कि यार ये क्या हो गया, इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ और बातें यहां पर जो बात की जा रही है, अभी इंश्योर करने के लिए एक्सेसिबिलिटी पब्लिक बिल्डिंग, आज के में कोई पर्टिकुलर पर्सन चल नहीं पाता है, ठीक है, तो उसको अगर पब्लिक बिल्डिंग में जाना है और बिल्डिंग मान लीजिए वो है यहां पर 10 माले की बिल्डिंग या 5 माले की बिल्डिंग, ठीक है, तो उस इंसान के लिए प्रॉपर यहां पर जैसे मेट्रो, अगर आप लोग जाते हैं मेट्रो में तो उसमें प्रॉपर उसके लिए मार्क बने रहते हैं कि हाँ आप लोग उसको टच कर पहुंच सकते हैं, बकायदा लिफ्ट रहती है हर जगह, तो इस तरीके से एक्सेसिबल होना चाहिए। कोई ट्रांसपोर्ट है अगर मान लीजिए चढ़ने वाली बस है तो नॉर्मल तरीके से उसमें जो चढ़ने वाला स्टार्टिंग का जो पायदान होता है वो ऐसा होना चाहिए कि इंसान आसानी से उस पर चढ़ सके। तो डिसेबल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचा आप लोगों को बनाना है, यानी कि इंसान जो है चढ़ ही नहीं पा रहा है उसमें, इतनी ऊंची आपने बस बना रखी है, वो नॉर्मल तरीके से कई सारी देखने को मिलती हुई है, ठीक है। जो औरतें होती हैं वो साड़ी पहनती हैं,
तो इतनी ऊंची सीट होती है कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि वो बेचारी चढ़ नहीं पाती है उसमें, ठीक है, उतना ऊंचा रहता है। अगर थोड़ा ऊंचा रहे जितना नॉर्मल एक सीढ़ी होती है, जो नॉर्मली आप लोग जब सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो उसकी जो एक पायदान होता है जो सीढ़ियों का, उतना कम से कम आप लोग रखिए, ये इतना ऊंचा हो जाता है कि चार पांच सीढ़ी एक साथ चढ़नी पड़ जाए तो इंसान को फिर दिक्कत होती है। वैसे ट्रेडिशनल चीजें चाहिए आप लोग, यहाँ औरत साड़ी भी पहने और सारी चीजें, और ढांचा ऐसा आप लोगों ने बना नहीं रखा है। अब डिसेबल पर्सन के लिए तो और भी दिक्कत हो जाती है। तो चीफ जो कमिश्नर है फॉर डिसेबल, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड स्टेट जो कमिश्नर है, उनको बेसिकली बोला भी गया कि इन चीजों को लेकर कोई भी अगर कोई ऐसा दिक्कत आती है तो उसको रिड्रेस करना है, आप लोगों को मॉनिटर करना है और इंप्लीमेंट करना है एक्ट को, कि इस एक्ट का कोई हनन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर नेशनल और स्टेट के लिए यहाँ पर फंड होना चाहिए ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को आप लोग प्रोवाइड करा सकें। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारी कंट्री में जब पार्ट फोर के अंदर आप लोग जाओगे ना, तो आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिनको डीपीएसपी आप लोग बोलते हैं, उसमें जो आर्टिकल 41 है यहाँ पर, ठीक है, तो वो स्टेट को रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि पब्लिक को आप लोगों को हेल्प करनी है, कोई अनएम्प्लॉयड है, कोई ओल्ड एज है, कोई सिख है, कोई डिसेबल है, ठीक है, तो उसको इकोनॉमिक कैपेसिटी में आप लोगों को उनका डेवलपमेंट करना है, तो ये खुद बोलता है। इसी के साथ में जब सातवें शेड्यूल के अंदर आप लोग जाएंगे संविधान के अंदर, तो तीन लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक है स्टेट, एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहां पर जब बात करेंगे यहां पर सब्जेक्ट जो है रिलीफ ऑफ द डिसेबल एंड अनएम्प्लॉयड, यानी कि अगर कोई डिसेबल पर्सन है और कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन है, उसको अगर कोई रिलीफ आप लोगों को देना है, उसको कोई हेल्प करनी है, तो ये स्टेट के सब्जेक्ट में आता है, स्टेट की कैटेगरी में आता है, तो स्टेट को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो यहां पर ये तो कॉन्करेंट में होना चाहिए कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर हेल्प करें, लेकिन सेंटर जो है उसके पास में काम काम के सब्जेक्ट रहते हैं, इसको तो बल्कि कॉन्करेंट में बेसिकली डालना चाहिए था। आप लोग ही क्या रहे आप लोग बताइए, नॉर्मली अगर देखा जाए तो बेसिक फंडा यहां पर यही बताने की कोशिश की जा रही है कि इस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है। यानी कहने का मतलब है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर कुछ और बातें मैं आप लोग बताऊं हिस्टोरिकली, अगर रिजर्वेशन के बारे में बात करें, तो विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले साहब के द्वारा 1882 में ओरिजिनली यहां पर रिजर्वेशन के बारे में बात की गई थी। यानी कि विलियम हंटर जो थे और ज्योतिराव फुले साहब हैं, उनके द्वारा बोला था कास्ट बेस रिजर्वेशन होना चाहिए। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कास्ट बेस रिजर्वेशन के बारे में ओरिजिनली जो किसके द्वारा सबसे पहले बातें की गई थी, तो ये विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले साहब के द्वारा ये बातें की गई थी। तो इसके बेस पर आगे चलकर जो है हमारी कंट्री में कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। पूना पैक्ट का नाम याद है, जो भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में था, जिसमें दोनों जो है आपस में लड़ गए थे, तो वो वाला जो पैक्ट था वो भी यहां पर रिजर्वेशन के मुद्दे पर ही था यहां पर। इसी के साथ में हमारी कंट्री में आप लोगों को आजादी के बाद भी रिजर्वेशन का मुद्दा कभी शांत नहीं दिखा। जैसे कि मंडल कमीशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो रिजर्वेशन की बात करते हैं मंडल कमीशन, तो उसके बारे में भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो आर्टिकल कौन सा था याद है आप लोगों को? मंडल कमीशन के तहत जब रिजर्वेशन कंफर्म करने की बात की, तो बीपी मंडल साहब थे, तो जिनके द्वारा यहां पर जिनकी अध्यक्षता में कमीशन बना और बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की बात की गई, तो उनके द्वारा यहां पर 27% का रिजर्वेशन यहां पर सुझाया कि 27% का रिजर्वेशन यहां पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर 52% करीब पॉपुलेशन है, यानी कि जो पॉपुलेशन है ओबीसी वाला ये सारा कैटेगरी का, ये 52% है, ठीक है। तो यहां पर 27% उन्होंने बोला कम से कम रिजर्वेशन होना चाहिए, तो ये बातें वहां से देखने को मिली। तो अभी यहां पर ये बताना है कि जो ये पूरा जो ये कमीशन चला, तो किसके तहत यहां पर पावर मिली, कौन से आर्टिकल के तहत, कि यहां पर आप लोग इस तरीके चीजों को लेकर चल सकते हैं। हालांकि आगे चलकर कई सारी चीजों पर बार भी लगाया गया, जैसे कि इंदिरा सानी केस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो इंदिरा सानी केस के द्वारा ये बोला गया कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन आप लोगों को नहीं करना है, तो उसके ऊपर उन्होंने बार लगा दी, तो वो भी एक वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन का एक और कॉन्सेप्ट है यहां पर, जब 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया हमारी कंट्री में 2019 में, तो 10% रिजर्वेशन जो यहां पर दिया गया वो दिया गया जॉब और एजुकेशन के लिए यहां पर, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो इसके बारे में बात करते हैं। वैसे अगर संविधान के अंदर जाएंगे तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो है वो बात करता है कि प्रोवाइड कराना है रिजर्वेशन जो यहां पर एक तरीके से बैकवर्ड कम्युनिटी है, तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी को एड कर दिया यहां पर, ठीक है। तो 10% जो रिजर्वेशन है यहां पर ये दिया जाएगा ये ओवर द 50%, यानी कि जो 50% ऑलरेडी रिजर्वेशन दे रहे हैं ना उसको टच नहीं करेंगे, उसके 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा इकोनॉमिक सेक्शन के लिए। बाकी हमारी कंट्री में अगर बात करें तो आप लोगों को पता है कि पार्ट नॉर्मल तरीके से आप लोग देखें तो पार्ट जो 16 है, ठीक है, तो पार्ट 16 के अंदर ऑलरेडी रिजर्वेशन है यहां पर, जब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रोवाइड कराया था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को स्टेट और जो यहां पर सेंट्रल जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर, तो बहुत सारे रिजर्वेशन के प्रोविजन आप लोगों को हमारे देश में देखने को मिल जाते हैं। रिजर्वेशन का प्रोविजन बेसिकली ये था कि यार देश में रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि जो कम्युनिटी जो पीछे छूट गई है उसको साथ में लेकर आए। पर लेकिन आगे चलकर इसको देखिए पॉलिटिशियन ने जो काम उनको करना था वो तो काम उन्होंने नहीं किया कि देश को इस गरीबी से भुखमरी से बाहर निकाले, बस रिजर्वेशन एक
परमानेंट चीज बना दी ताकि लोग जो है रिजर्वेशन के नाम पर लड़ते हैं और रिजर्वेशन को एंजॉय करते रहे। तो ये रिजर्वेशन ही आगे चलकर जो है ये एक तरीके से गले की फांस बनता चला जा रहा है। ये जो डेवलपमेंट होना चाहिए कम्युनिटी का वो तो डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा है। रिजर्वेशन जिसको मिल रहा है वो कम्युनिटी पिछले 70 साल से वो कम्युनिटी उभरी नहीं है ऊपर को। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन सही तरीके से सही डायरेक्शन में सही इंसान के लिए पहुंच ही नहीं रहा है। तो ये सारे फंडे जो है इनके ऊपर बार बार डिस्कशन किया था, डिबेट किया था, पर लेकिन जब भी इसको चेंज करने की बात आती है किसी भी तरीके से तो तुरंत फिर ठंडे बस्ते में मैटर चला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्रिटिकल मुद्दे हैं हमारे देश में। रिजर्वेशन हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, ये इस तरीके से महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन हो गया। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं यहाँ पर जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है। इनको तो ऐसा है कि ये ठंडे बस्ते में पड़े हैं तो सही है, वरना फालतू में फिर इशू बन जाएंगे। नेक्स्ट जो स्कीम है यहाँ पर ये बात करी जा रही है इलेक्ट्रोल ट्रस्ट स्कीम के बारे में। तो इलेक्ट्रोल ट्रस्ट स्कीम जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पर इलेक्ट्रोल ट्रस्ट जो यहाँ पर अंडर इलेक्ट्रोल ट्रस्ट स्कीम 2013 जो है इसको डिक्लेयर किया गया डोनेशन थ्रू इलेक्ट्रोल बॉन्ड। ठीक है, तो बोला गया कि ये जो है बेसिकली नाम नहीं रिवील करने पॉलिटिकल पार्टी जो रिसीव कर रही है फंड। ठीक है, पर लेकिन फंड के बारे में बता देना चाहिए कि फंड कितना होता है उनके पास में। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इन चीजों के ऊपर काफी ध्यान रखती है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ADR जिसको आप लोग बोलते हैं। तो ADR के द्वारा प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो वो ये बोलती है कि इलेक्ट्रोल ट्रस्ट जो है 2013 से यहाँ पर अगर बात करें इनकम टैक्स रूल जो है 1962 के, तो यहाँ पर मैंडेटरी होना चाहिए कि यहाँ पर एवरी डिटेल डोनर की होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो यहाँ पर सारी चीजें जो है वो एक पार्शियल एक तरीके से जो यहाँ पर उन्हें कहते हैं कि यहाँ पर जो एक पार्शियलिटी जो देखने को मिलती है वो नहीं रहेगी, तो इम्पार्शियल तरीके से चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, तो तब नहीं होगी तब पता रहेगा, और जब पता ही नहीं है तो अंदर कौन क्या घपला कर रहा है किसी को पता ही नहीं रहेगा। तो इलेक्ट्रोल ट्रस्ट स्कीम है नोटिफाइड किया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा, यहाँ पर चीजें जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि लोग इसके बारे में समझ सकें और किस तरीके से कहां पर कितना पैसा जा रहा है वो जान सकें। तो इलेक्ट्रोल ट्रस्ट जो है उसको अंडर इनकम टैक्स जो 1961 के तहत यहाँ पर लाना चाहिए, इनकम टैक्स जो रूल है 1962 के हिसाब से, क्योंकि जब पता होगा मान लीजिए आप लोग जो है महीने के 50,000 कमा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने 25,000 रुपए हैं वो महीने में आप लोग कहीं पर आप लोग उसको डोनेशन में दे रहे हैं, तो ये चीजें पता होगी जब यहाँ पर, तभी तो चीजें आप लोग उसके ऊपर छूट ले पाओगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि कम से कम ये यहाँ पर इनकम टैक्स के तहत यहाँ पर इनको कवर किया जाए, तो ये ऐसे कोई प्रोविजन अगर है तो तभी यहाँ पर और अच्छे से हम लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव यही है यहाँ पर ताकि अप्रूवल मिल सके इलेक्ट्रोल ट्रस्ट के लिए, ताकि अगर कोई वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो रहा है, किसी पर्टिकुलर इंसान ने अगर इलेक्ट्रोल ट्रस्ट के अंदर यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया, मान लीजिए आप लोगों ने पैसे हैं आप लोगों के पास में, आप लोगों ने 50,000 रुपए इलेक्ट्रोल ट्रस्ट में दे दिए, और वो 50,000 रुपए सारी पॉलिटिकल पार्टी में कितने कितने बट रहे हैं जाकर, तो वो पता रहेगा उसी तरीके से, वरना पता चला एक ही पॉलिटिकल पार्टी सारे दबाकर बैठ गई। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, इस तरीके का मुद्दा जो है वो सामने आना चाहिए। अगर बात करें यहां पर 29 जो सेक्शन 29A जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का, वो बेसिकली इलिजिबल करता है पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट्रोल ट्रस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ओनली इलिजिबल पार्टी, जो पार्टी इस पर्टिकुलर मुद्दे के लिए इलिजिबल है। यानी कि कुकर मुद्दे की तरह हमारे देश में जो है दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टी है तो सबको यहां पर इलेक्ट्रोल ट्रस्ट का पैसा मिलना चाहिए। जो पार्टी जो है जो रजिस्टर है सेक्शन 29A के तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत, उन्हीं को ये इलेक्ट्रोल ट्रस्ट का पैसा मिलना चाहिए। क्राइटेरिया फॉर अप्रूवल ऑफ इलेक्ट्रोल ट्रस्ट क्या होना चाहिए, तो इलेक्ट्रोल ट्रस्ट के लिए यहां पर बेसिकली कंसिडरेशन होना चाहिए कि अप्रूवल जो कंडीशन है, तो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए यहां पर जो सेक्शन 25A कंपनी जो एक्ट है 1956 के तहत। ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो अपना कुछ ऐसा नहीं है कि कंट्री अगर कोई कंट्रीब्यूशन यहां पर दे रहा है तो उसको कोई इनडायरेक्ट फायदा हो। देखिए दान होता क्या है बेसिकली, अगर मंदिर में आप लोग जाकर दान कर रहे हैं, मस्जिद में आप लोग जाकर दान कर रहे हैं, या कहीं पर आप लोग किसी की फीस दे रहे हैं, किसी को आप लोग किताब दे रहे हैं, किसी की किसी तरीके से आप लोग हेल्प कर रहे हैं, तो बेसिकली होता क्या है, ये क्या है इसमें आप लोग को बैकग्राउंड में ये रहता है कि इससे मुझे कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बंदा है उसको किताब चाहिए, आप लोगों ने उसको किताब प्रोवाइड करा दी, तो उसके पीछे आप लोग कोई मनसा होगी कि ये मुझे कुछ फायदा कर देगा। ठीक है, अगर इस तरीके से कोई मनसा है तो फिर उसको कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, यहां पर अभी मैंने आप लोगों से बोला था कि किताब के लिए मैंने कहा अभी नहीं हो पा रहा है, जिन बच्चे अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में मेल आए, तो बच्चे कई सारे कह रहे हैं कि सर अकाउंट नंबर बता दो, सर पेटीएम नंबर बता दो, हम कर देंगे चीजें। यार चीजें ना देखो, बोलना जितना आसान है उतना ही ज्यादा चीजें टफ हो जाती हैं फिर। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से जो बच्चे मेरे पास में जो आ रहे हैं उनको मैं अपने हिसाब से टैकल कर लेता हूं, पर लेकिन जैसे आप लोगों से मेरे पास में पैसे आ गए तो फिर मेरे ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसकी एक अलग तरीके की। ठीक है, तो अभी ये चीजें जो मैं अपने लेवल पर कर रहा हूं तो मैं अपने आप इंडिपेंडेंट हूं, जब मेरे पास में जितना हिसाब रहता है मैं उसको हिसाब से कर लेता हूं, पर लेकिन आप लोगों से अगर मेरे पास में पैसे आने लगे तो मेरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि अब इस पैसे को उस इंसान तक किस तरीके से पहुंचाना है, और मेरा एक अलग से माइंड वहां पर डिवाइड भी आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो चीजें मैं अपने लेवल पर कर रहा हूं मुझे लग रहा है कि मुझे उसको ऐसे ही करते रहना चाहिए।
हाँ कभी अगर आप लोगों को लगता है कुछ ऐसी चीजें तो उसको, अभी फिलहाल मेरे पास में कुछ कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है उस तरीके से, उसके बारे में देखें कभी फिर फ्यूचर में अगर कुछ कर पाएंगे तो। पर फिलहाल जो मुझे पैसा, जो भी यहाँ पर जो मेंबरशिप आती है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, तो उससे जो भी पैसा आता है तो उससे मैं बेसिकली हेल्प करता हूँ। तो अभी इस महीने में कर चुका था काफी ज्यादा, तो उससे जो भी था पैसा उससे भी एक्स्ट्रा में लगा चुका था। तो अभी अगले महीने जब चीजें स्टार्ट होंगी तो जो भी पेंडिंग पड़े हुए जिसको किताब के बारे में जिसने मेल किया है तो मैं उनको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। लेकिन जो मुझे बोल रहे हैं सर अकाउंट नंबर दे दो और पेटीएम नंबर दे दो, यार वो चीजें देखो थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो आप भी, ठीक है, एक अलग फिर दिमाग वो होने लगता है। फिर इंसान ये बोलता है कि कई सारे लोग ये बोलेंगे सर पैसा दिया था पैसा खा गए, वो फालतू के नहीं, वो फालतू की चीज चलने लगती है बैकग्राउंड में। तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा इशू किसी भी तरीके से बने। तो इलेक्ट्रोल में भी अगर कोई पैसा दे रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, ऐसा नहीं कि मैं किसी पर्टिकुलर बंदे को बोलूँ कि ले जा तू कोचिंग कर ले 1.5 लाख रुपए, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होगा। पता चले इकट्ठे तो मैंने इतने लोगों से किए, एक बंदे को पकड़ा दिया कोई अपने सगे संबंधी को, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। वो पैसा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि जिसको किताब की जरूरत है उसको किताब ही मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी को मैं कोचिंग करने के लिए बोल रहा हूँ कोचिंग कर लो, कोचिंग की तो जरूरत ही नहीं आज के डेट में, इतना सारा मेटीरियल ऑनलाइन पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों के पास में सिलेबस है ना और आप लोगों के पास में पुराने क्वेश्चन पेपर है तो मुझे नहीं लगता है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर और सिलेबस के अलावा आप लोगों को कुछ चाहिए। इंटरनेट पर जाकर सर्च करो, जिस भी टॉपिक को सर्च मारोगे उसी टॉपिक की 1000 वीडियो खुलकर आएंगे। तो एक वीडियो देखो और टाइम अपना नोट्स बनाओ और साइड में करो। तो आज की डेट में अगर इंटरनेट है मोबाइल है तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कहीं पर भी जाकर इतना सारा पैसा खर्च करना चाहिए। हाँ अगर आप लोगों को लगता है टाइम नहीं है इतना काम करने के लिए और आप लोगों को लगता है कि अभी 2-4 महीने के अंदर ही पेपर देना है, तो उनके लिए बेसिकली होता है जिसके पास में टाइम की बहुत ज्यादा लिमिटेशन है, वो उसको लगता है कि यार सारी चीजें एक जगह इकट्ठे मिल जाए तो अपना काम कर लेते हैं, तो वो वाली चीज आप लोग देख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोल ट्रस्ट बनाने की कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि जो पोलिटिकल पार्टी है जिस तरीके से वो हरकतें कर रही है वो उस तरीके का हरकत जो है उनकी बंद कर दिए और सही तरीके से एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करा जा सके इस तरीके से कि ताकि जो लोग हैं वो यहां पर एक जिसको चंदा देना है, ठीक है, कल को मान लीजिए इलेक्शन लड़ता है हमारे जो जो SLV फैमिली में से कोई, ठीक है, वो बोले कि सर मुझे जो जनता के लिए इलेक्शन लड़ने हैं पर लेकिन सर मेरे पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो मैं बोलूं चलो यार पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, अगर कोई ढंग का काम करने वाला सामने आएगा तो अच्छी बात रहेगी। तो इकट्ठा करके हम लोगों ने 2-3 बंदों को दे दिया कि ठीक है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से अलग अलग बंदे लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट ही लड़ लो खड़े होकर, तो वो चंदा जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी कि कोई एक सगा संबंधी उसको पकड़ा दिया। तो रिसीव जो कहते हैं वॉलेंट्री जो कंट्रीब्यूशन रहता है, कोई इंडिविजुअल दे सकता है, कोई कंपनी दे सकती है जो रजिस्टर इंडिया में, या फिर कोई भी जो फर्म है यहां पर, या फिर कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो यहां पर बेसिकली अगर बात करें, या कोई बॉडी है इंडिविजुअल की, कोई रेजिडेंट है इंडिया का, तो वो यहां पर दे सकता है। एक्सेप्ट क्या नहीं किया जाएगा, अगर कोई फॉरेन में है, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, एन इंडिविजुअल हु इज नॉट इंडियन सिटीजन, क्योंकि वो क्या कर सकता है कल को पैसा देके दुनिया भर का हमारी कंट्री में इलेक्शन को वो मजाक बना सकता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को खरीद सकता है, दुनिया भर का पैसा बांट सकता है, तो वो वहां से अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसी के तहत यहां पर कोई एनी अदर इलेक्ट्रोल ट्रस्ट जो है यहां पर वो ऐसे क्योंकि जो एक तरीके से रजिस्टर एज ए कंपनी है, जो कंपनी एक्ट के तहत यहां पर अप्रूव किए है इलेक्ट्रोल ट्रस्ट के तहत, तो उस चीजों को देखना पड़ेगा। तो इनसे यहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये कुछ क्राइटेरिया बना दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिफाइन किया गया सेक्शन कंपनी का, ये यहां पर इनको पसंद नहीं है तो यहां से नहीं आएगा, फॉरन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन से पैसा आएगा वो यहां पर यूज नहीं करेंगे। तो कुछ क्राइटेरिया ऐसे भी है ताकि फालतू में ऐसा ना हो कि पता चला उस पैसे को अलग तरीके से इस्तेमाल करके और देश के अंदर कुछ गड़बड़ की जा रही है, ठीक है। तो ये चीजें भी हम लोगों को देखनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोल ट्रस्ट जो है उसका बेसिकली फंडा यही है कि ट्रस्ट बना रहना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो चेक डिमांड या फिर इन सब चीजों से आप लोग चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आज के दिन में तो UPI आ गया, आप लोग स्कैन कोड दे सकते हैं या फिर जैसे अपना नहीं जैसे ऐसे करें कि जैसे जैसे मैं बोलूं कि वीर तालियान @UPI, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये कोड जिस तरीके से ऐसे होते हैं तो ये क्या है, एक तरीके से आप लोग भी अपना कोई ना कोई आप लोगों ने कोड बना रखा होगा। तो इस तरीके से ये चीजें वो होती है जिनमें एक तरीके से आप लोग अकाउंट नंबर भी देने की जरूरत नहीं आज के डेट में किसी को, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं आज के डेट में, किसी को अकाउंट नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है, या तो स्कैन कोड सेंड कर दो उसको या फिर अपना जो UPI है आप लोग का या फिर जो भी आप लोगों ने ID बना रखी है वो सेंड कर दो सामने वाले पर्सन को। तो ये भी एक तरीका है आज की डेट में। तो यहां पर इससे क्या रहेगा, ये उनके लिए जिनको लेना है बेसिकली पैसा, ठीक है, और यहां पर चेक डिमांड वो सारी चीजें ताकि वो रजिस्टर किया जा सके और उनके बारे में समझ सके। तो देखिए ऑप्शन कई सारे होते हैं, अब कैसे इंसान उसको यूज कर रहा है वो समझने वाली बात होती है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक थे जो मुझे लगा कि डिटेल में आप लोगों से मुझे डिस्कस करने, इनका बेसिक पर्पज यही था कि आप लोगों को डिटेल में मैं डिस्कस कर सकूं इनको, तो इसलिए मैंने आप लोगों से डिटेल में इनके बारे में बातें की। बाकी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो यही है कि आप लोग की जो वीडियो आ रही है कल उसका टाइम आप लोग मुझे जरूर बताएगा, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, वो मुझे काफी एक वो देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से उस वीडियो को हम लोग को लेकर चलना चाहिए, ठीक है। तो वो वीडियो जो रहने वाली है थोड़ी लंबी रहेगी, पेशेंस रखकर उस वीडियो को आप लोगों को देखना है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। बाकी ये लेक्चर कैसा लगा, रिजर्वेशन का टॉपिक डिस्कस किया एक तो पूरा प्रमोशन के अंदर, और बाकी रिजर्वेशन क्या है वो सारी जाने, और यहाँ पर इलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में हम लोगों ने बातें की, ठीक है। बाकी जो भी जो मैंने आप लोगों से जो बातें की हैं, जो भी यहाँ पर मेल कर रहे हैं मुझे किताबों से रिलेटेड है सारे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग, मुझे लग रहा है कि 8-10 दिन का वेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में चीज़ें जो हैं फिर से जो है, वो नहीं कहते कि फिर से चीजें हरी भरी होंगी, तो फिर से मैं आप लोगों को चीजें जो है वो प्रोवाइड कराना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे रेगुलर अभी मेल आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, समझ रहा हूँ यार देखिए। पर लेकिन हाँ एक बात और, यहाँ पर जो थोड़ी सी जो मुझे एक बच्चे के द्वारा बोलेगी कि उनको सर सॉफ्ट कॉपी भी सेंड की जा सकती है, सॉफ्ट कॉपी यार देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जो कि एक तरीके से जो कभी मोबाइल वगैरह से पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, उनकी पढ़ाई मोबाइल से हो ही नहीं पाती है, बस हाँ लेक्चर तो देख लिया, पर लेकिन पीडीएफ मोबाइल से पढ़ना, कई सारे बच्चे ऐसे जिनको आदत ही नहीं है इन सब चीज़ों की, ठीक है। नॉर्मल किताब लेकर पढ़ना मुझे आदत पड़ गई है अब फिलहाल, पहले मुझे भी आदत नहीं थी, ठीक है, मुझे बहुत ओड लगता था अगर मैं इस तरीके से किताबें पढ़ूँ उसको बेसिकली मोबाइल वगैरह में, अब तो आदत पड़ गई है चीज़ों को करने की। तो होता है कई सारे लोग होते हैं जिनको हार्ड कॉपी हाथ में लेते हैं उसी से पढ़ते हैं, तो उनका अपना तरीका है। तो वैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने की थी पीडीएफ भी सेंड, ठीक है, पीडीएफ भी मैंने कईयों को सेंड की है, किताबों के नाम नहीं बताऊंगा अभी यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल आप लोगों को पता है उसकी वजह से दिक्कत हो गई थी, ठीक है। तो पहले मैं कई सारी किताबें शेयर कर देता था ऐसे ही, क्योंकि मेरे पास में रहती थी तो मैं सोचता था चलो कोई नहीं किसी का फायदा हो जाएगा, पर लेकिन वो इस तरीके से दिक्कत होने लगी फिर, ठीक है, मतलब टेलीग्राम चैनल ही उड़ा दिया था पूरा। फिर वो बोला, मैंने कहा यार इस तरीके थोड़ा ना कि मैं कोई प्रॉफिट ले रहा हूँ उससे, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वो तो वहाँ पे होता है कि मैं उनसे कोई प्रॉफिट ले रहा हूँ, मैं कोई सामान बेच रहा हूँ कि हाँ इसके बदले में तुमको मुझे पैसे देने हैं। तो फिर उनको मेल लिखा तो तब जाकर चीज़ें नॉर्मल हुई, तो यहाँ पर उनको सारी बातें बताई। तो वही है, कई सारी दिक्कत आ जाती है अच्छे काम करने में भी, कई बार अच्छी चीज़ें अच्छे लोगों तक नहीं पहुंच पाती वो भी दिक्कत हो जाती है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है यार, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे मैटर को सोल्व करना है, टेंशन मत लीजिए, जो देर हो सकती है पर लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा, तो हमेशा अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए और अपने काम के ऊपर ट्रस्ट रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी कोई राय देनी हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है और यहाँ पर भी आप लोग मेरे से बातें कर सकते हैं, ठीक है। स्टडी लवर वीर @gmail.com।